सिंध में स्कूल से मुतालिक हुकूमत का एक और फैसला, 30 अगस्त से स्कूल खोले जाएंगे। वजीर तालीम सरदार शाह की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से मुलाकात, जुमे को वर्किंग कमेटी इजलास के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। कराची के सी व्यू पर फंसे जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। एक माह बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिल गई। क्रेन बरदार बोट से जहाज को खींचा जा रहा है। जहाज का रुख समंदर की जाने 45 डिग्री मोड़ दिया गया। आज जहाज को 1000 मीटर तक समंदर की तरफ धकेले जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में मुल्की सियासी सूरतेहाल पर इजलास, वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शरीक, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर गुफ्तगु। वजीर आजम अफगानिस्तान की सूरतेहाल पर भी मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर खातून से दस्तराजी का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट जमा, 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया गया। 30 वीडियो से 60 तस्वीरें इकट्ठी की। 28,000 अफराद का डाटा इकट्ठा किया गया। 700 से ज्यादा अफराद को मशकूक करार दिया गया। मुलव्वस मुलजमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलवाई जाएंगी। और लाहौर में मां बेटी से ज्यादती का अफसोसनाक वाकया, चुंग में रिक्शा ड्राइवर और साथी ने निशाना बनाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया। गैंग रेप और दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल। मुलजिम उमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुलजिम मनसब की तलाश के लिए छापे। दोनों मुलजिमान रिक्शा चलाते हैं।